घटना हुआ कि हम लोग को पता हुआ कि मेरे बच्चा को किसी फांसी लगा दिया बिल्डिंग में। यहाँ आए तो क्या देखे? यहाँ आए तो देखे कि फांसी पड़ा है। कोई सूचना हम लोग हमको नहीं मिला। कोई आदमी गए हमारे घर में, बाहर किसी को बोल दिए गांव में कि जावेद का तबीयत खराब हॉस्पिटल में है। और जब हम यहाँ आए तो इनके यहाँ कर्मचारी से मिले, उनसे पूछे कि भाई कैसे क्या है, तो इनके ऐसे ऐसे चलिए ऊपर ले गया, तो देखा कि देखिए यहाँ ऐसे ऐसे लटका हुआ है, तो हम भी देख के भक हो गए। क्या कितना क्या क्या लड़का जो जॉब कर रहे थे कल्याणपुर में, कि फांसी लगा के दिखाया गया कि हत्या हुआ है, लेकिन देखने से फांसी नहीं है, वो हत्या है, और इसकी जांच करके कार्रवाई होना चाहिए। पद्मपति पूनम देवी पूसा पद्मपति राजकुमार साहब। कल जो पूसा में जो घटना घटी है त्योपार में, इसके बारे में थोड़ा बताया। बहुत जो हम कह नहीं सकते हैं, ऐसा आज एक नौजवान जो कल्याणपुर क्षेत्र में, और बहुत निंदनीय घटना है, इसके विषय में मैं क्या कहूँ। आहत जब हम लोग आए उनको देखे, उस उनके लाश को, तो उनके पिताजी इतना अपसेट है कि वो बात नहीं कर पा रहे। मैं यही कहूँगा कि बहुत दुखी और पूरे समाज को झकझोर देने वाली यह घटना है। इसकी अच्छी तरीके से जांच हो, और जो हत्यारे हैं उनको, मतलब जैसे ये नौजवान आज मृत्यु के दर पे पहुंचा है, उनका भी यही हश्र हो, यही मैं मांग करता हूँ। और जो भी है इसमें दोषी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर चौधरी।